हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं इंदौरी इन ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड, अभी बॉर्डर्स कब खुलेगी इसका कोई आइडिया नहीं है, बट काफी सारे स्टूडेंट हैं जिनको ऑलरेडी वीजा मिल चुके हैं। उनके मन में ये डाउट है कि क्या उन्हें ऑनलाइन स्टडीज करना चाहिए या फिर फेस टू फेस के लिए वेट करना चाहिए। तो इस वीडियो में मैं ऑनलाइन स्टडीज के एडवांटेजेस प्लस डिसएडवांटेजेस बताने वाला हूँ और साथ में कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर करूंगा, जैसे कि स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि क्या हम ऑनलाइन स्टडीज करने के बाद हमें टीआर पीआर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम कितनी बार अपने ऑफर लेटर डिफर करा लेते हैं, कितनी बार करा सकते हैं। तो इस टाइप के कुछ बेसिक क्वेश्चन कवर करूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखें। और एक बात और फ्रेंड, अगर आपको कुछ जल्दी जानना है या आप कमेंट में आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। मैं इंस्टाग्राम पे काफी बार लाइव आता हूं, तो वहां पर आप मुझसे मेरे आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और मैं ट्राई करूंगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा आंसर दे पाऊं। तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें। तो चलिए फ्रेंड, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, काफी सारे लोग हैं जिनको ऑस्ट्रेलिया के वीजे ऑलरेडी मिल चुके हैं और वो वेट कर रहे हैं कब बॉर्डर्स खुले और कब हम आए। तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट ऑनलाइन स्टडीज ले रहे हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑनलाइन स्टडीज के एडवांटेजेस की। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट नंबर का एडवांटेजेस है वो है कि आप अपनी होम कंट्री में हैं तो आपको ना कोई जॉब का टेंशन है, ना आपको कोई रेंट का टेंशन है, किसी चीज का टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको स्टडीज करना है तो आप स्टडीज को ज्यादा टाइम दे पाएंगे और आप अपने इजीली एक्सपेंसेस जो होते हैं आपके यहाँ एज ए स्टूडेंट, वो सारे एक्सपेंसेस बच जाएंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एडवांटेजेस है। उसके बाद फ्रेंड, सेकेंड एडवांटेजेस की बात करें, क्योंकि आपको कोई लोड नहीं होगा, आप आराम से, आपके पास काफी समय होगा तो आप अच्छी से स्टडीज कर सकते हैं। आपके पास पूरा टाइम है, आप स्टडीज करें, असाइनमेंट बनाएं, जितनी बार हो सके इतनी बार पढ़ें ताकि आपका नॉलेज बढ़े और आप इस केसेस में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, अच्छे ग्रेड ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ आपके पास एक ही काम रहेगा, आपका स्टडीज करना। फ्रेंड, उसके बाद जो तीसरा एडवांटेजेस है वो ये है कि फ्रेंड, आप अपनी होम कंट्री में रहेंगे तो आपके पास समय काफी है, तो आप उस फील्ड से रिलेटेड, आप जिस चीज में स्टडीज कर रहे हैं उसमें कहीं पर आप किसी दोस्त की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया में बहुत इजीली आपको हेल्प करने वाले लोग मिल जाएंगे। उस फील्ड में कोई नॉलेज रखता है तो आप उससे कुछ बातचीत कर सकते हैं, उससे कुछ अपने कोर्स के बारे में, अपने असाइनमेंट्स के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वो सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि लोग इतने बिजी होते हैं, इवन आपके क्लासमेट भी आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको भी अपने असाइनमेंट्स और काफी सारी चीजें करना रहती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेजेस हो सकता है। और फ्रेंड, फोर्थ नंबर का जो एडवांटेजेस है वो ये है कि आप अपने टाइम या फिर अपने मंथ सेव कर सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड बॉर्डर्स पिछले 8 महीनों से 6 महीनों से बंद है, तो ऐसे में काफी सारे स्टूडेंट का टाइम वेस्ट हो रहा है, किसी का गैप बढ़ रहा है, किसी का 6 महीने का गैप हो गया है, किसी का 1 साल का गैप होगा। आगे बॉर्डर्स कब खुलेगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, बट इतना गैप आपको आगे प्रॉब्लम कर सकता है सम केसेस में। और बाकी तो फिर समझते हैं, काफी सारी यूनिवर्सिटी समझती हैं कि कोविड की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो कि कुछ केसेस में आपके गैप एक्सेप्टेबल हो जाएंगे, बट क्यों रिस्क लेना, आप इजीली अपना गैप भी कवर कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडीज करने के। तो फ्रेंड, ये कुछ एडवांटेजेस थे जो मुझे लगे, अगर और भी कुछ होंगे तो मैं ट्राई करूंगा कि आगे वीडियो में बता सकूं आपको इन फ्यूचर। बट अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। तो फ्रेंड, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है वो है फीस का, क्योंकि फ्रेंड आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी की फीस बहुत ज्यादा होती है, तो काफी सारे स्टूडेंट यहाँ आते हैं कि वो अपनी फीस कवर कर सके, क्योंकि फैमिली से इतना सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है उन लोगों के लिए जो अपनी फीस बियर नहीं कर पाएंगे या फिर जिनको फैमिली सपोर्ट इतना नहीं है, क्योंकि फ्रेंड जो फीस होती है वो 14 लाख से लेकर 30 लाख के बीच में होती है 2 साल के कोर्स की, जो कि काफी मुश्किल होता है। अगर आपके पास फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपके लिए अच्छी बात है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो। अगर आपको फीस का प्रॉब्लम है तो आप फिर वेट करें कब बॉर्डर्स खुलती है। उसके बाद फ्रेंड, सेकेंड जो डिसएडवांटेजेस है वो है कि आप ऑनलाइन स्टडीज में प्रॉपर तरीके से, कुछ लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आता है, क्योंकि फ्रेंड काफी सारे लोग होते हैं जिनको फेस टू फेस समझ में आता है, काफी सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो ऐसे में ऑनलाइन स्टडीज करने में हो सकता है कि आपको थोड़ा कम नॉलेज मिले या आपको काफी सारी चीजें समझ में ना आए
और आप ऑनलाइन उसको ठीक से पढ़ ना पाए, तो ये भी एक डिसएडवांटेजेस हो सकता है। उसके बाद फ्रेंड थर्ड जो डिसएडवांटेजेस है वो है कि आप ऑनलाइन अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे, या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट नेशन के लोगों से या स्टूडेंट से नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि फ्रेंड अगर आप यहाँ फेस टू फेस होते तो काफी सारे डिफरेंट नेशन के स्टूडेंट से या किसी से मिलते, बट ऑनलाइन स्टडीज के कारण आपको काफी फ्रेंड बनाने में मुश्किल आएगी, क्योंकि आप उन्हीं से बात कर पाएंगे जो आपके ग्रुप में होंगे या आप ग्रुप असाइनमेंट करेंगे, अदरवाइज आप ना किसी से बात कर पाएंगे ना मिल पाएंगे, तो ऐसे में आपके कांटेक्ट नहीं बन पाएंगे। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस थे। तो फ्रेंड जो लोग भी सोच रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन स्टडीज करने का या नहीं, तो ये मैंने कुछ अपने बेसिक पॉइंट्स बताए जो मुझे पता है या मैंने काफी पढ़ा है, तो इस बेसिस पे आप अपना डिसाइड कर सकते हैं। और अगर कुछ पॉइंट छूट गए होंगे या कुछ और मुझे पता चलते हैं तो इन फ्यूचर में इसका एक अपग्रेड वीडियो बना दूंगा, बट आई होप इतने वीडियो से आपको काफी सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब फ्रेंड कुछ बात करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन की जो काफी सारे लोग पूछ रहे थे कि अगर हम ऑनलाइन स्टडीज करते हैं तो क्या हमें TR या PR में प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड ये जो प्रॉब्लम है ये वर्ल्ड वाइड हो रही है, ठीक है, तो इससे आपके TR PR में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप एक सेमेस्टर भी ऑनलाइन इंडिया से पढ़ते हो या दो सेमेस्टर भी ऑनलाइन इंडिया से पढ़ते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आपको TR भी मिलेगी आपको PR भी मिलेगी। तो आप TR PR की टेंशन छोड़ दें, सिर्फ अपनी स्टडीज पे फोकस रहें जो कि आपको काफी हेल्प करेगी। उसके बाद फ्रेंड काफी सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि क्या हमें हमारा ऑफर लेटर डिफर करवा लेना चाहिए या हम कितने टाइम तक हमारे ऑफर लेटर डिफर करा सकते हैं। तो फ्रेंड अगर मैं सजेस्ट करूं तो आप अगर एक बार ऑफर लेटर डिफर करा लिया है तो आप ऑनलाइन स्टडीज स्टार्ट कर दें, क्योंकि हो सकता है कुछ मंथ में बॉर्डर्स खुल जाएं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो एक बार और डिफर करा सकते हैं अपने एजेंट से कंसल्ट करके। बार बार डिफर ना कराएं, इन फ्यूचर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो रिस्क लेने से अच्छा है आप ऑनलाइन स्टडीज कर लें या फिर अपने एजेंट के पास जाएं, उससे थोड़ा कंसल्ट करें, वो आपको ज्यादा अच्छी से बता सकता है। तो आई होप फ्रेंड इस वीडियो से आपको काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, और मैं ट्राई करूंगा कि आप जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना के अपलोड कर सकूं ताकि आपके डाउट क्लियर हो सकें। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दें, अदरवाइज ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे इस पर फॉलो कर लें, मैं इस पर काफी बार लाइव आता रहता हूँ, काफी सारे लोगों के क्वेश्चंस के आंसर देता रहता हूँ, काफी स्टूडेंट्स ने मुझे फॉलो कर रखा है। तो अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए या जल्दी कुछ जानना हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, मुझे ज्यादा से ज्यादा आपकी हेल्प करने में मदद होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।